good afternoon i am waiting for you my dear where you people are and today our class will be on which topic anybody please reply anybody is having the idea मनीष जसवाल गुड आफ्टरनून हां यस फर्स्ट वी टेक द अटेंडेंस अटेंडेंस पार्ट मनीष जसवाल एंड सक्षम चंद्र प्रकाश नवनीत शुक्ला प्रिंस यादव अखिल क्रिएशन में कौन है प्लीज क्लियरिफाई द नेम मिस्टर अखिल क्रिएशन ये कौन है सुरेंद्र गुप्ता सुरेंद्र गुप्ता नुरेन मुस्ताक सुशील प्रसाद लारी। सारी। बाकी लोग भी अपनी प्रेजेंस देखते जाएंगे करते जाएंगे अभी, टोटल वन, फोर, सिक, सेवन, एट, अभी, अभी तक टेन लोगों ने अपनी प्रेजेंस दर्ज की है बाकी लोग भी जैसे आते जाएंगे डिस्कस करेंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड लाइकोपोडियम स्पोर मेथड अच्छा इसमें सुनील कुमार अंजुम आरा ओके okay. एक मिनट अंजुम आरा सुनील कुमार प्रिंस यादव और देखिए सुनील कुमार ओके इलेवन ट बाकी लोग भी देख लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आप ठीक है बाकी जैसे लोग आते जाएंगे हम इसमें नोट करते जाएंगे ठीक है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये पूछा है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड तो पहले क्वेश्चन माइंड में ये आता है भोलानाथ भी आ चुके हैं ओके okay. भोलानाथ सबाना खान भी आ गए हैं ओके okay. छोटा सा टॉपिक है पहले से रेडी कर लीजिएगा देखिए एक तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आपको बताएंगे और साथ में आपका एक टेस्ट भी होगा आरती गुप्ता ओके छोटा सा टेस्ट भी है अदिति सिंह और जैसे लोग आते जाएंगे देखते जाएंगे हम लोग ठीक है लेट्स स्टार्ट ये आपका है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में आप कितने लोगों को आइडिया है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में एनीबॉडी तो देखिए जो हमारे पाउडर ड्रग्स होते हैं जैसे क्या होता है कि आप एक क्वालिटी पैरामीटर जो आपको मैंने इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग्स बताया था उसमें ओम पी मैंने ट्रिक बताया था किसी को पता है ओम पी क्या है ओ फॉर आर्गेनोलैप्टिक रुद्र सिंह गुड आफ्टरनून रुद्र सिंह रुद्र सिंह अजीत सर से आप बात कर लीजिएगा मिस्टर रुद्र टॉक टू मिस्टर अजीत सर आफ्टर द क्लास ओके देखिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में हम समझते हैं शुरुआत करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में क्या होता है कि जैसे हम क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं हम इनके क्वालिटी पैरामीटर्स को इवेलुएट करते हैं जैसा आप माइक्रोस्कोपिक जो आपने वेल्यूशन मेथड पढ़ा है उसमें मैंने बताया था एक सेक्शन कटिंग करते हैं तो आप टी एस या एल एस कट करते हैं ओके रुद्र इसके बाद क्या होगा कि जब आप सेक्शन कट करते हैं टी एस या एल एस या वी एस से आप उस सेक्शन कट में ऑर्गेनाइज सेल को स्टडी करते हैं देखते हैं और कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उस ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं कि पता चलता है हाँ ये ड्रग स्टैंडर्ड कैटेगरी में है कि नहीं गुलिस्ता मिर्जा ओके तो उस ड्रग को फिर क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई एडल्ट्रेशन होता है वहां से पता चलता है अभी देखिए ऑनलाइन भी मेंटेन रहिएगा आप लोग आपका क्लास छोटा सा है बाकी टेस्ट है आपको ऑनलाइन मोड पे ही रिप्लाई करना है सभी लोग एक्टिव रहेंगे और अभी देखना है कौन जल्दी से रिप्लाई करेगा तो पहले लाइको पोडीम में स्कोर मेथड हम देख लेते हैं ब्रीफ रिव्यू हल्का सा कर लेते हैं अटेंडेंस देने के बाद से आप लोग हटिए नहीं ऐसा नहीं कि आप लोग हटते जाइए कि नहीं अटेंडेंस हो गया अभी अटेंडेंस मैंने लगा नहीं नाम नोट किया है मैं यहाँ से नंबर सबका दिख रहा है कि कौन यहाँ पे प्रेजेंट है कौन नहीं है तो मैंने बोला लाइको पोडीम स्कोर मेथड तो यहाँ पे बात आती है कि लाइको पोडीम स्कोर मेथड की जरूरत कब पड़ती है तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की जरूरत जब आप क्वालिटी पैरामीटर को चेक करते हैं तो मैंने माइक्रोस्कोपी में बताया कि सेक्शन कटिंग करते हैं टी एस एल एस एस का महेंद्र पाल जी भी आ गए हैं ओके तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में माइक्रोस्कोपी टी एस एल एस कट किया वी एस कट किया वहां से देख लिया ऑर्गेनाइज सेल्स का दूसरे फिर क्या होते हैं हम आते हैं जब माइक्रोस् क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में लाइबा सिद्दीकी ओके तो आप क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में जाते हैं तो उसमें एक मेथड आपका आता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या होता है जब जो आपके पाउडर ड्रग्स होते हैं उनके लिए जब मान लीजिए हमें क्वालिटी चेक करनी है अगर फिजिकल मेथड या अदर कोई भी मेथड सूटेबल नहीं हो पाता है कि उनकी क्वालिटी को हम चेक कर पाएँ किसके पाउडर ड्रग के लिए तो उन ड्रग्स के लिए हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज़ करते हैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड जो तो हम यूज़ करने हैं यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए मैं दिखा दूँ आपको लाइकोपोडियम स्पोर क्यों हम लाइकोपोडियम वर्ड दिए हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में हम लाइकोपोडियम स्पोर्स का यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? पहली चीज ध्यान में रखनी है इन लाइकोपोडियम स्पोर मेथड किस किन ड्रग्स का हम इवेलुएशन करते हैं फॉर पाउडर ड्रग्स किसका करते हैं पाउडर ड्रग्स को इवेलुएट करने का एक मेथड है तो पहली बात याद रखनी है दूसरी बात आपको रखनी है ये जो पाउडर ड्रग्स हैं इनका फिजिकल मेथड या अदर मेथड से इवेलुएशन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ऐसे में हम लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का यूज़ करते हैं ये एक क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मेथड है थर्ड पॉइंट जो आपको लर्न करना है वो ये है कि जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है इसमें लाइकोपोडियम स्पोर्स का यूज़ किया जाता है लाइकोपोडियम स्पोर्स का यूज़ क्यों करते हैं तो इतफाक से जो लाइकोपोडियम होते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं क्या होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं उनकी साइज़ ट्वेंटी फाइव की होती है और अगर एक मिलीग्राम आप लाइकोपोडियम का स्पोर लेते हैं तो उसमें एक मिलीग्राम आपने लिया पाउडर तो आपको उसमें नाइन्टी फोर थाउजेंड स्पोर्स होते हैं देखिए समझ में आ रहा है ये शबनम खान ओके सबनम खान ने पहले भी लिखा था ठीक है मैं नोट करता हूँ सबनम खान तो क्या क्या बात तो मैंने बताई लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में एक तो ये पाउडर ड्रग्स के लिए है नंबर वन नंबर टू ये जब ऐसे पाउडर ड्रग्स जिनका फिजिकल या अदर मेथड से इवेल्युएशन पॉसिबल नहीं होता है तो उसको हम इस मेथड से करते हैं अभिषेक सिंह ठीक है तो अब आपने क्या बोला कि जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता है इसमें आपको बाकी कुछ लोग देखिए डिस्कनेक्ट हो रहे हैं डिस्कनेक्ट नहीं हुई कहा थोड़ा सा देखिए आप लोग बीच बीच में प्रेजेंट लगा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास आप इसमें लिखते जाइए हम अपना इसमें लगा लेंगे ठीक है आप देखिए मैंने बोला लाइको पोडिमसपोर मेथड में पहले उन पाउडर ड्रग्स के लिए होता है जिनका फिजिकल या अदर मेथड से यस मनीष जासमाल लिखा पाउडर ड्रग के लिए और क्वान्टिटेटिव माइक्रोस वेरी गुड वेरी गुड मनीष ऐसे पाउडर ड्रग्स जिनका फिजिकल या अदर मेथड से या क्वालिटी नहीं है मेजर कर पाते हैं उनका हम क्वालिटी पैरामीटर क्वालिटी इवेल्यूएशन करते हैं क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में हम क्या करते हैं इनके जो लाइकोपोडियम के स्पोर्स होते हैं ये यूनिफॉर्म होते हैं और इनकी साइज़ होती है ट्वेंटी फाइव मिलीमीटर की और अगर एक मिलीग्राम आप लाइकोपोडियम लेते हैं तो उसमें नाइन्टी फोर थाउजेंड स्पोर्स होते हैं इसके बाद देखिए कि ऐसे कौन से पाउडर ड्रग्स हैं जिनका हम इवेल्यूएशन इस लाइकोपोडीम स्पोर मेथड से करेंगे तो पहली बात तो जो आपका पाउडर ड्रग है जैसे कि वह यूनिफॉर्म होना चाहिए और अगर कहीं सेल है तो क्या होना चाहिए सिंगल लेयर्ड सेल हो जिससे कि हम इजली मेजर कर सकें ठीक है ना तो ये बात ध्यान करने की है और इसमें एक फार्मूला होता है जैसे हम जिंजर के केस में लिखे हुए हैं इनका परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग निकालते हैं तो ये होता है एन इंटू डब्ल्यू इंटू नाइनटी फोर थाउजेंड इंटू हंड्रेडेड बाई एस एम पी एस इंटू एम इंटू पी क्या है परसेंटेज प्योरिटी टू एन इंटू डब्ल्यू इंटू नाइनटी फोर थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई एस इंटू एम इंटू पी देखिए एन स्के लिए क्या होता है एन जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल जैसे कि आपके स्टार्स ग्रेन्स हैं वो आपके ट्वेंटी सिक्स फील्ड में और जो डब्लू क्या है वेट इन मिलीग्राम लाइकोपोडियम जो लिया है उसका वेट है और नाइन्टी फोर थाउजेंड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं लाइकोपोडियम के और हंड्रेड हो गया फिर एस आ रहा है एस क्या है जो आपके ट्वेंटी फाइव फील्ड में नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्ट्स हैं ठीक है एक डब्ल्यू का मतलब वेट हो गया और एन का मत एस का मतलब, मतलब नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्ट हो गया और फिर आपका एम आया ये जो सैम्पल कैलकुलेटेड हमने लिया है वो है और पी आपका जो है वैल्यू दी गई है टू लैक एटी सिक्स थाउजेंड इन केस ऑफ स्टार्च ग्रेन पाउडर ये वैल्यू होती है तो अब यहाँ से हम आगे जब बढ़ते हैं तो अब आप बताइए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड हो गया अब हम एक बार ब्रीफ वो कर लेते हैं आप चलिए अब टेस्ट होने वाला है तो आप इसमें अलर्ट रहिएगा जिससे पूछा जाएगा वो रिप्लाई जिसको आएगा तुरंत क्विक रिप्लाई करिएगा वो ये है कि चलिए हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्विक रिकैप में मेथड ऑफ ड्रग इवेलुएशन के नाम कौन कौन से हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं एक बार ओम पीसीबी मैंने बताया था ओ फॉर आर्गेनोलैप्टिक एम फॉर माइक्रोस्कोप एंड पी फॉर फिजिकल सी फॉर केमिकल एंड बी फॉर बायोलॉजिकल इवेलुएशन ये आप लोगों को पता होगा इसके बाद आइए आर्गेनोलैप्टिक में हम क्या क्या इवेल्युएट करते हैं आर्गेनोलैप्टिक में क्या क्या इवेलुएट करते हैं एनी बड़ी रिप्लाई इसमें हम कलर ऑर्डर टेस्ट साइज शेप थिकनेस फ्रैक्चर सरफेस ये देखते हैं मार्फोलॉजी देखते हैं ठीक है और आपको ये पता होगा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं कि जिसमें जैसे बार्क यूज़ करते हैं तो कौन से ड्रग का बार्क यूज़ करते हैं से अर्जुना का हुँ? कुछ अंडरग्राउंड होते हैं जैसे टर्मेरिक और जिंजर अंडरग्राउंड होते हैं लीव्स किसका यूज़ करते हैं डिजिटेलिस का फ्लावर किसका यूज़ करते हैं सैफरॉन का ठीक है कलर होलरट है वेरी गुड मनीष मनीष आप बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं बाकी लोग कहाँ हैं इसके बाद आ जाइए हम बात करते हैं इसमें रिवीजन आपको बता दे रहा हूँ माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपी में क्या होता है माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि आप टी एस एल एस कट करते हैं इसके अलावा क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी टेक्निक का यूज करते हैं और आपको जो ये हम देखते हैं इस्टोमेटल नंबर वगैरह निकालते हैं तो आप कौन कौन सा चीज में देखते हैं इसमें आपको देखना होता है पहली सेड रेसियो इस्टोमेटल नंबर स्टोमेटल इस इंडेक्स स्टोमेटा वेन आईलेट नंबर वेन टर्मिनेशन नंबर ट्राइकोम्स जो होते हैं या कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स देखते हैं ठीक है और लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है अब इसमें हम ब्रीफ में नहीं जाएंगे आपको हम बाद में बताएंगे स्टोमेटल इंडेक्स का एक फार्मूला होता है एस आई आईजल टू एस अपान ई प्लस एस लेकिन ये भी हम उसमें देंगे आपको लेक्चर पर अभी बेसिक पे हम आगे बढ़ते हैं ये आपको देख लेते हैं कुछ आपके इसमें क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी मैंने आपको बता दिया लाइकोपोडियम स्पोर मेथड बाकी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल आपने देख लिया है तो आइए हम आपके सेशन पर चलते हैं जो आपके टेस्ट पेपर हैं आप सभी लोग रेडी रहिएगा छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं आपको रिप्लाई देना मैं ऑप्शंस भी आपको दूंगा रेडी चलिए क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट ऑफ द फॉलोविंग इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन हैं अरस्तु ऑप्शन ए अरस्तु ऑप्शन बी डाइस्कोराइट्स ऑप्शन थ्री हिपोक्राइटस ऑप्शन फोर गैलिन हिप्पोक्रेटस इन्होंने जवाब दिया है हिप्पोक्रेटस तो बाकी लोग बाकी लोगों की रिप्लाई का वेट करते हैं तो वन का करंट आपका आंसर है सी सी में देखते हैं इन्होंने जवाब दिया है ये जवाब किसका है नूरेन मुस्ताक ने हिप्पोक्रेटस बोला है महेंद्र पाल का भी हिप्पोक्रेटस है देखते हैं सही जवाब किसका है हिप्पोक्रेटस इज द राइट आंसर सबसे पहले जवाब आया है नूरेन मुस्ताक जी का ओके गुड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज ड्रग ओके गुड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हैंटस इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपका है इसमें से कौन सी ड्रग है मैं नाम लूंगा और आपको बताना है कि वो ऑर्गेनाइज ड्रग नहीं है यानी कि चार ऑप्शन हैं फोर ऑप्शन्स हैं और आपके इसमें से तीन जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे और एक आपका ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आपको पहले बताया था जो लीफ है फ्रूट है स्टेम है बार्क है सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइज में आती हैं। अब देखिए आपको मैं आप बोल रहा हूँ इसमें से आपको क्या बताना है कौन सी ड्रग ऑर्गेनाइज नहीं है पहला ऑप्शन है लीव्स ऑप्शन नंबर टू फ्लावर्स ऑप्शन नंबर थ्री फ्रूट्स ऑप्शन नंबर फोर गम्स रिप्लाइड इसमें से कौन सी ड्रग ऑर्गेनाइज नहीं है ऑप्शन नंबर वन लीव्स, ऑप्शन नंबर टू फ्लावर्स यस नुरेन मुस्ताक ने फिर जवाब दिया है गम्स गम्स इज द राइट आंसर गुड गम इज द राइट आंसर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपसे हम पूछते हैं आपको यहां पे बताना है मैं आपको बताऊंगा गम्स गम्स राइट आंसर अभी के टाइप्स ऑफ ड्रग मैं बताऊंगा आपको एक ऑप्शन में दूंगा और उसमें से मैं बोलूंगा आगे आपको बताना है कि कौन सा वेजिटेबल ड्रग है कौन सा एनिमल ड्रग है कौन सा मिनरल एंड मेटल क्लास में है कौन बायोटेक्नोलॉजिकल है मतलब समझिएगा जैसे आपने पढ़ा था ना ड्रग के सोर्सेज में कि ड्रग हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है तो प्लांट को जैसे मान लीजिए मैंने वेजिटेबल बोला वेजिटेबल ड्रग और एक एनिमल ड्रग मतलब ऐसे ड्रग जो हमें एनिमल से मिलते हैं ऑप्शन नंबर सी मिनरल्स या मेरीन सोर्सेस मिनरल से मिलते हैं मेटल से मिलते हैं ठीक है और उसके बाद एक बायोटेक्नोलॉजिकल जिसको बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है तो मैं आपको पढ़ूंगा आपको जवाब देना है जैसे मैं पहला क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से कौन वेजिटेबल ड्रग है वेजिटेबल ड्रग का मतलब प्लांट ओरिजिन का ड्रग है वो बताना है जैसे ऑप्शन नंबर वन हनी ऑप्शन नंबर टू बेंटोनाइट ऑप्शन नंबर थ्री बेलाडोना ऑप्शन नंबर फोर पैनिसलिन तो सही जवाब क्या होगा इसमें वेजिटेबल ड्रग बतानी है आपको ऑप्शन आप नंबर वन हनी क्या हनी वेजिटेबल ड्रग है नहीं है आगे वेरी गुड नूरन मुश्ताक ने फिर जवाब दिया बेलाडोना मनीष जायसवाल पेनिसिलिन नहीं पेनिसिलिन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है ठीक है ये आपका बेलाडोना जो है राइट आंसर है ऐसे ही आपका एनिमल ड्रग में बात करें हम तो एनिमल ड्रग में आपका हनी हो जाएगा ठीक है चलिए गुड चलिए आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अच्छा है बहुत बढ़िया अब मैं आपसे पूछता हूं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द आर रिगार्डेड एज लीव कॉन्स्टेंट देखिए अभी आपका लीव कॉन्स्टेंट जो मेजर करते हैं आपने माइक्रोस्कोपी में देखा था क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया था लीव कॉन्स्टेंट्स लीव कॉन्स्टेंट्स में मैंने बताया था आपको पहले रेशियो स्टोमेटल नंबर स्टोमेटल इंडेक्स आईलेट वेन टर्मिनेशन नंबर ये आपके लीफ कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज लीफ कॉन्स्टेंट्स इनमें से कौन है जो लीफ कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं देखिए ऑप्शन नंबर वन स्टोमेटल नंबर एंड इंडेक्स ऑप्शन नंबर वन स्टोमेटल नंबर एंड इंडेक्स ऑप्शन नंबर टू पैलिसेट रेशियो, ऑप्शन नंबर थ्री वेन आईलेट एंड टर्मिनेशन नंबर और ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ़ द एव तो इसमें से कौन किसको लीव कांस्टेंट कहा जाता है बाकी लोग भी अभी बने रहिए अभी क्लास छोड़ के नहीं जाइए अपनी प्रेजेंस रहिए मेंटेन रखिए अभी लग रहा कुछ क्वेश्चंस आप लोग लेट मिल रहा है आप लोगों को आ, ये मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि इनमें से कौन लीफ कांस्टेंट है लीफ कांस्टेंट में ऑप्शन यस नूरन मुस्ताक ने फिर जवाब दिया आलाफ देबो अभिषेक सिंह ने फोर आलाफ देबो सुरेंद्र गुप्ता ऑफ द वेरी गुड कांग्रेट्स आप सभी को जो लोग जवाब दे रहे हैं मनीष शुक्ला येस आलाफ देबो गुड वेरी गुड प्रिंस यादव आलफ देबो गुड मनीष जयसवाल आलाफ देबो राइट आंसर राइट आंसर इज आलाफ देबो यानी कि जब हम लीफ कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो आपका स्टोमेटल नंबर एंड इंडेक्स ये भी आपका लीफ कांस्टेंट में है पहली है, वेन आईलेट एंड टर्मिनेशन नंबर भी है प्लीज बी कनेक्टेड ड्यू टू समय प्रॉब्लम प्लीज बी कनेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes, Sunil Kumar, right answer. Uh, my next question is: Out of which, out of which, which are the methods for evaluation of crude drugs? Out of which, which are the methods for evaluation of crude drugs? Option number one, physical. Option number two, chemical. Option number three, biological. Option number four. माइक्रोस्कोपी ऑप्शन नंबर फाइव मार्फोलॉजी ऑप्शन नंबर सिक्स ऑल ऑफ रिप्लाई इवेल्युएशन के मेथड्स मैंने आपको ट्रिक भी बताया था और ट्रिक क्या थे ओम पीसीबी ओ फॉर आर्गेनोलैप्टिक एम फॉर माइक्रोस्कोपी एंड पी फॉर फिजिकल सी फॉर केमिकल एंड डी फॉर बायोलॉजिकल गुड नो रैन जॉरे ओम पे से भी गुड गुड मैंने इस यानी कि जितने भी मेथड्स हैं वो आपके कंप्लीट हैं ठीक है इवेल्यूएशन के लिए अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं इसमें से uh, अभी भी रहेगा आप लोग अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है वेरी गुड ये इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना ये बैटर बनाता है अभी इसमें आपको बताना है क्वेश्चन फिजिकल इवेलुएशन में क्या क्या मेजर करते हैं किस की आइडिया है मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं और आपको बताना है इन फ़िज़िकल इवेलुएशन वी मेज़र द फॉलोविंग इन फ़िजिकल इवेलुएशन वी मेज़र द फॉलोइंग नहीं मनीष फ़िजिकल में कलर नहीं मेजर करते हैं कलर हम ऑर्डर हम मेजर करते हैं मार्फोलॉजिकल में टेस्ट वगैरह ऑर्डर वगैरह सब मार्फोलॉजिकल में मेजर करते हैं हम फिज़िकल की बात कर रहे थे फिजिकल इवेलुएशन में क्या मेज़र करते हैं हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं आपको बताना है क्या ये सही है इनमें से एक गलत होगा तीन सही होंगे इन फिजिकल इवेलुएशन ऑफ क्रूड ड्रग वी मेजर ऑप्शन नंबर वन मॉइस्चर कंटेंट ऑप्शन नंबर टू विस्कॉसिटी ऑप्शन नंबर थ्री मेल्टिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर फोर सॉल्युबिलिटी ऑप्शन नंबर फाइव आल ऑफ देव आपको पहले भी मैंने बताया था फिजिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स जितने भी होते हैं सभी मेजर करते हैं तो सुरेंद्र गुप्ता सही जवाब सुरेंद्र गुप्ता ने सबसे पहले जवाब दिया है ऑल ऑफ़ देबो होगा इसमें हम फिजिकल इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में हम मॉइस्चर कंटेंट प्रिंस यादव ने भी जवाब दिया गुड वेरी गुड यहाँ पे देखिए फिजिकल इवेल्यूशन जो क्रूड ड्रग्स का नवनीत कुमार शुक्ला ने भी सही जवाब दिया है नूरन मुस्ताक का भी जवाब है ऑल ऑफ देभो आल ऑफ देभो इज द राइट वन आप देखिए फिजिकल इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स में सुशील प्रसाद का भी जवाब आया गुड वेरी गुड देखिए जो हम फिजिकल इवेल्यूशन करते हैं इसमें जो भी फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे कि आप देखिए मॉइस्चर कंटेंट हो गया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या एस वैल्यूज़ हो गए या फिर हम बात कर लें मेल्टिंग पॉइंट विस्कॉसिटी सॉल्युबिलिटी ऑप्टिकल रोटेशन वो लडाइल आयल कॉन्टेंट फॉरन ऑर्गेनिक मैटर स्वेलिंग इंडेक्स एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ ये सारे हम मेजर करते हैं ठीक है ये आपको अगर फिजिकल इवेल्युशन आता है इतना आप लिखते हैं दैट इज़ मोर देन कि कुछ लोगों को नाम भी नहीं पता हो पता है इसका तो आपको ये ध्यान रखना फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या मेजर करते हैं फिजिकल में? फिजिकल में में ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या मेजर करना होगा एक आपका मॉइस्चर कंटेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विस्कॉसिटी मेल्टिंग पॉइंट सोलबिलिटी ऑप्टिकल रोटेशन एस वैल्यूज एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज वोलाटाइल आय कंटेंट फॉरन ऑर्गेनिक मैचर एंड स्वेलिंग फैक्टर ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये अभी इसमें आपको नहीं पता होगा थोड़ा सा हम बता देते हैं जो एस वैल्यूज होता है ना एस वैल्यू कितने तरह के होते हैं एक होता है टोटल एस वैल्यू एक होता है एसिड इन सोलबल एस वैल्यू और एक होता है सल्फेटेड एस वैल्यू ठीक है एक वाटर सॉल्यूबल एस वैल्यू ठीक है ये होते हैं बाकी क्लास में हम लोग मिलेंगे जिस पर और डिस्कस करेंगे ठीक है एक्सट्रक्टिव वैल्यूज के भी आपको इसमें क्वेश्चन पे आते हैं सीधे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन में हम क्या मेजर करते हैं जो इवेल्यूएशन करते हैं हम केमिकल मेथड ऑफ इवेलुएशन में हम क्या मेजर करते हैं किसी को कोई आइडिया है मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं आपको इसमें से तीन सही जवाब होगा और एक होगा गलत जवाब आपको पता करना है गलत जवाब कौन सा है ठीक है देखिए है हमारा फॉलोविंग मेथड्स आर यूज फॉर केमिकल इवेल्यूएशन द क्वेश्चन इस बार फिर रिपीट कर रहे हैं फॉलोविंग मेथड्स आर यूज फॉर केमिकल इवेलुएशन ठीक है ऑप्शन नंबर वन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑप्शन नंबर टू केमिकल टेस्ट ऑप्शन नंबर थ्री इंडिविजुअल कॉन्स्टिचुएंट केमिकल टेस्ट ऑप्शन नंबर फोर केमिकल टेस्ट एंड ऑप्शन फाइव नन ऑफ दंबर सिक्स फोर है तो देखिए मैं यहाँ पे आपका गलत जवाब हुआ और बाकी लोग देखिए जो केमिकल इवेल्यूएशन का मेथड है केमिकल टेस्ट नहीं अभी कंप्लीट नहीं आ पा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखनी है कि जो केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन की हम बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था केमिकल टेस्टिंग करते हैं केमिकल एसेज करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए लाइबा सिद्दीकी का जवाब इंस्ट्रूमेंटल मेथड और आरती गुप्ता ने लिखा है ऑल ठीक है तो इसमें देखिए आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं केमिकल मेथड्स में केमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं और आपके इंडिविजुअल केमिकल टेस्ट भी करेंगे और केमिकल टेस्ट भी करते हैं अब देखिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में क्या होता है जैसे हम कलरी फ्लोरीमेट्री स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में यू है एन एम आर है माँ से यूज़ करते हैं ये सब हो जाएंगे केमिकल टेस्टिंग करते हैं हम लोग ठीक है केमिकल एसेज भी करते हैं तो ये आपके केमिकल मेथड्स में आते हैं चलिए आगे हम फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए अभी थोड़ा सा डिटेल में टेस्ट वगैरह हैं वो शायद आपको नहीं याद होंगे अगर मैं पूछता हूँ देखते हैं आप लोगों को याद है क्या जैसे कि वाइट्स uh, के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं किसी को पता है विच टेस्ट्स आर डन फॉर डिटेक्शन ऑफ वाइट्स तो वाइट्स के लिए ड्रैगन ड्रॉफ ड्रैगन डॉर्फ टेस्ट होता है मेयर्स होता है हैगर्स होता है वैगनर्स होता है ये हम आपको क्लास में बताएंगे ठीक है ये आपका ड्रैगन डॉर्फ होता है मेयर होता है वैगनर होता है, हैगर्स होता है ये आपके एल्कलवाइट्स के लिए होते हैं और फाइटोस्टिरल्स के लिए लीबर मैन बर्चर टेस्ट होता है ट्राई ट्रब्यूनॉट के साल को वस्की होता है ये सब क्लास में हम लोग देख लेंगे ठीक है तो ये आपका हो गया यानी कि अब आप समझ लीजिए कि आपका जो यूनिट वन था यूनिट वन में अगर हम देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं बाकी कैमरा लुसीडा का डायग्राम पूछा जाता है तो ये भी मैंने आपको डायग्राम पिछले बार में बताया था तो ये आपका यूनिट वन का जो टॉपिक है वो कवर हो गया जो आपका क्या क्या था एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू फार्माकॉग्रासी डेफिनेशन हिस्ट्री स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी ये हमने कर लिया सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में हम लोगों ने प्लांट्स एनिमल्स मैरिन एंड टीसू कल्चर ये सोसेज ऑफ ड्रग्स हमने देखा था ऑर्गेनाइज ड्रग्स अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में क्या डिफरेंस है ये हमने देखा और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हमने आपको दिया था ठीक है और किसी को पता होगा इसमें हमने शॉर्टकट ट्रिप बताया था ए टी एम क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स में आपका एडल्ट्रेशन और इवेलुएशन बाई आर्गेनोलैप्टिक ओम पी सी हमने किया था और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी अलग से एक्सप्लेन करना था ये आपका यूनिट वन ओवर हो गया ठीक है और अगली जो हमारा लेक्चर होगा अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट टू आपका है कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन हम लोग वो पढ़ेंगे नोट्स भी प्रिंस आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा नोट्स के लिए कहीं टेंशन नहीं लेना है आपको नोट्स भी मिल नोट्स भी सारा हम शेयर कर देंगे आप बेफिक्र रहिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है और बाकी जो लेक्चर हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ये आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ये लाइव वीडियो है तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा मतलब इसको मिलने मिलते ही रहेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बट बाई द सेम वे अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बेफिक्र होकर के आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरा मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी लोगों के पास होगा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप फ्रीली आप यूट्यूब पर कमेंट्स डाल सकते हैं आप बात कर सकते हैं अल्टीमेटली एम ये है कि इस पैंडमिक सिचुएशन में हम घर पे हैं बट थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके अपना हम सिलेबस भी साथ में कंप्लीट करेंगे अपना ख्याल रखेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखेंगे इस पैंडमिक सिचुएशन में घबराना नहीं है ठीक है और एज ए फार्मासिस्ट कुछ बेसिक चीज़ें हम सभी को क्लियर होनी चाहिए वो क्या है कि जैसे अगर किसी को भी अगर सर्दी जुकाम खांसी बुखार अगर चार दिन या पाँच दिनों से आ रहा है ठीक है और अगर आपको लगता है कि हम पैरासीटामॉल 650 फिफ्टी या 500 हंड्रेड दे रहे हैं फिर भी उनका बुखार फीवर सब्साइड नहीं हो रहा है प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ऐसे में देखिए आपको करना क्या होगा आपको करना होगा कि आप डायग्नोसिस पार्ट के लिए डॉक्टर से आप ऑनलाइन भी टेलीपैथी का यूज़ करके आप फ़ोन से बात करके भी कुछ डायग्नोसिस करा सकते हैं जैसे आज के डेट में सी बी सी विडाल मलेरिया के साथ सी आर पी सी रिएक्टिव प्रोटीन कराएंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है लीवर से प्रोड्यूस होता है और आपको पता है बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है या इन्फेक्शन का लेवल बढ़ रहा है इन्फेक्शन है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल हाई हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिकेशन करेगा कि बॉडी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसे में इस बिहाव पर इस डायग्नोसिस पर इस रिजल्ट पर हम आगे की प्रोसीडिंग्स दे सकते हैं इस कोरोना पैंडमिक सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स माय डियर फार्मासिस्ट बिल्कुल कहते हैं ना घबराने की ज़रूरत नहीं है जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं ये प्रॉब्लम्स थोड़ी छट जाएंगी ठीक है और हम सभी को स्वस्थ रहना है खुश रहना है और आपका जो सिलेबस का पार्ट है इसमें हम सभी हम भी मेहनत करेंगे आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए मिल हम लोग अच्छा करेंगे ठीक है तो बने रहिए अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत